प्रवेश किया। लंपी बीमारी एक वायरस है और जिसका अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं है। केवल जो बकरी को जो टीका लगाया जाता था, जिसको गोट पॉक्स कहा जाता है, उसको लगाकर हम इतिश्री कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 2014 के पहले इस देश में गौमाता माने, गाय को गौमाता मानने वाले लोग आज केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में 14 राज्य में बीमारी फैली हुई है। देश के प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है और हमारी विपक्ष में बैठे हुए नेता केवल राजस्थान सरकार को दोषी ठहरा रहे। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, जब देश के प्रधानमंत्री जी को चीताओं की चिंता है लेकिन गौमाता की चिंता नहीं है। चीता प्लेन में चल रहा है और गौमाता क्रेन में चल रही है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जो बीमारी 2019 में हिंदुस्तान में आ चुकी थी और जो इसका टीका बनाने का जो काम भारत सरकार को करना चाहिए था, 2019 से अभी तक इन लोगों ने टीका नहीं बनाया। राजस्थान सरकार के पास आज टीका होता, राजस्थान सरकार के पास आज टीका होता, भारत सरकार ने आज टीका बनाया होता और राजस्थान सरकार अगर टीका लगाने में सफल होती तो राजस्थान की सरकार को दोष ही देते। लेकिन भारत सरकार ने ना तो कोई टीका बनाया, केवल वाई वाई लूटने के लिए इनका नारा है, गाय हमारी माता है, इसके नाम पर वोट मांगना आता है, लेकिन इसके आगे में कुछ नहीं आता है। ये नारा है आपका भारतीय जनता पार्टी का। अभी कह रहे थे कि केरल में कत्लखाने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री हैं, गोवा में आपके मुख्यमंत्री है, कत्लखाने सबसे ज्यादा कहाँ है, गाय सबसे ज्यादा कहाँ काटी जाती है और आपके कौन कौन से नेता गायों को खाते हैं? केवल बात करना आसान है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने और गौसेवा आयोग का गठन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया। बैठ जाइए, मिर्ची मत लगाइए, दिलावर जी नीचे बैठिए, मिर्ची मत लगाइए, नीचे बैठिए, नीचे बैठो, नीचे बैठो, मिर्ची मत लगाने दो, नीचे बैठो, सुनने का वास्तव को। 2000 पहली बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत आसन से, उन्होंने गौसेवा आयोग का गठन किया गया, दूसरे कार्यकाल में अनुदान बढ़ाया गया और तीसरे कार्यकाल में भी अनुदान बढ़ाया गया। आपके दोनों कार्यकाल में गौशाला के नाम पर कोई अनुदान नहीं बढ़ाया गया, तो बात करना अलग बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आपको देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहिए कि ये महामारी केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 14 राज्यों में इसको महामारी घोषित करने के लिए आपको कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देनी चाहिए, ताकि जो गौ माता जिसका दूध हम पीते, जिसको अमृत कहते, जिसका दी, जिसका घी, जिसका दूध, जिसका दही हमारे शरीर को अष्टपुष्ट करता है, उस गौ माता को संरक्षण देने के लिए जिम्मेदारी आपकी हमारी है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 3636 गौशालाएं हैं और उनमें 12,019 गायें, 12,019,000 गायें राजस्थान सरकार के अनुदान पर चल रही है। माननीय सभापति महोदय, अनुदान की राशि की बात करो, अभी हाल ही अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में ही राजस्थान सरकार ने 495 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देकर राजस्थान की गायों का संरक्षण करने का काम किया है। आप बात करते हैं आपके कार्यकाल में जो अनुदान आता था उसका प्रतिशत निकालो और पिछले सारे 4 साल का प्रतिशत निकालो तो आप मात्र बहुत 7% नीचे हो। इसलिए कहने को बहुत कुछ है। माननीय सभापति महोदय, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार है, ये गौ माता को गौ माता मानते हैं, उसको उसके अंकित नहीं होगा। श्री धर्मनारायण जोशी बिराजिए, 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 माननीय सभापति महोदय।